आया घुमा लो तुझे बड़ा वाला आगे बैठता था, सबसे छोटा वाला पता नहीं उस दिन पीछे क्यों बैठा, वो कहीं गिर गया। रेलवे का फाटक पड़ा, उन्होंने बोला आप उतरिए, स्कूटर नीचे से निकाली आदत के साथ टेढ़ी करके आगे एक किक मारी बैठ के चल दी। ये बुड्ढा बिल्कुल नहीं पिघल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में ऑफ द ग्रेट इंडियन पॉडकास्ट। और जो पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे आप, एक बार मैं शुभम, राजेश और साधिका। साधिका जिसके घर का नाम सौम्या है, जिसको थोड़ी सी खांसी है, हम चारों आपके बीच आ चुके हैं। और ऐसे बहुत कई बार कमेंट आते हैं कि ये बुड्ढा इनके बीच में बहुत बोलता है, तो आज मैंने कहा भाई आज थोड़ा रोल चेंज किया, आज एक्चुअल बुड्ढा बोलने का। एक्चुअल बुड्ढा आज जैन, जिनके थोड़े बाल ग्रे भी हुआ है, सॉल्ट एंड पेपर लुक करके आ रहा है भाई उनका, शुगर डैडी बन गया क्या, थोड़ा वेट लूज कर लूं, मैं भी रील बनाऊंगा बोले जो कोयल पर। शुगर डैडी बनना है जैन का अगला। क्या बात करने वाले हैं आज हम? नहीं, आज हमने सोचा था कि बात करते हैं ग्रेट इंडियन स्कूटर पे। यस, स्पेसिफिकली स्कूटर, क्योंकि हिस्सा रहे हैं हमारी अपब्रिंगिंग का, हमारी फैमिली। हाँ, मतलब वाई स्कूटर, मुझे लगता है क्योंकि बाइक से ज्यादा स्कूटर हिंदुस्तान में इंपैक्ट रहा है। रेवोल्यूशन कि भाई हर आदमी, हर इंसान के घर के पास स्कूटर तो है ही है। सो बीइंग इन शुभम शूज, अब मुझे समझ में आया कि ऑफर क्यों हो जाता है। वो पहली स्कूटर आपको कौन दिया? क्या हुआ, निकल गई हवा, एक बन गए 24 मिनट के होस्ट। पर वो पहली स्कूटर तुम्हें कौन सी याद है? मुझे एक स्कूटर याद है, हमारी गली में हमारे बराबर वाला जो घर था उसमें एक अंकल थे, बूढ़े अंकल, जो कि जब से मैं बड़ा हुआ तब से मैंने उन्हें एकदम छोड़ा, तब वो काम पे जाते होंगे, फिर वो रिटायर हो गए, तो उनकी स्कूटर गली में खड़ी रहती थी हमेशा। दो स्कूटर थी, एक उनकी थी, एक उनके बेटे की थी। उनके बेटे की भी इसलिए खड़ी रहती थी कि वो आर्मी में था, तो ऐसा नहीं स्कूटर अंदर रख ले, गली पार्किंग थी, तो दोनों की गली में रहती थी। बिजली, वो बिजली विभाग में थे तो उनकी बिजली फ्री थी, दिन भर पानी से धुलती थी पाइप से, वो चमका हुआ स्कूटर दोनों की एकदम। तो एक जो पापा की थी वो थोड़ी छोटी हेडलाइट वाली वो थी पियाजियो, और पीछे बेटे की जो थी वो चेतक थी। और मुझे आगे वाली याद है कि उस पर हमने बहुत वाले गेम खेले कि आया घुमा लो तुझे खड़ी। स्कूटर को जो बच्चों ने चलाया है ना, मैंने आज तक चालू स्कूटर तो कभी नहीं चलाई, एक दो बार ट्राई किया मैंने चलाने की, बट मुझे स्कूटर चलाना सबसे डिफिकल्ट लगता है, बड़ा अजीब सा बैलेंस होता है उसका। लेकिन ये स्कूटर पे मैंने इतनी सवारियां पिक एंड ड्रॉप करी है ना, आया बैठ जा, कहाँ छोड़ दूँ, जो अपने लोकल के नाम थे वहाँ छोड़ दूँ, बैठ छोड़ दूंगा। उनकी बात, बट मुझे लगता है मेरी पहली मेमोरी जो थी कि मेरे पापा के पास स्कूटर नहीं था, वो अपने जमाने में कूल आदमी थे भाई, और उनके पास थे SD 650, और बाकी मोहल्ले में लोंडों के पास स्कूटर होता था, स्कूल में बच्चों के पास स्कूटर होता था, वो देखते थे आगे बैठ के आ रहे गद्दी पे, जो पकड़ के मेरे पापा मुझे टंकी में बिठा के ले जाते थे, तो मुझे अपने पापा से नफरत होने लगी थी कि कितना अनकूल आदमी है, इसके पास स्कूटर नहीं है, बाइक से आता है यार मेरे को छोड़ने के लिए स्कूल। ये बुड्ढा मुझे टंकी बिठा के। Did you have a scooter also? Did your parents also have a scooter? मेरे पापा के पास स्कूटर था और उनके पास चेतक होता था उस टाइम पे, और मेरा भाई जो मेरे से 4 साल बड़ा है, मैं और मेरी मम्मा, तो वो हम चारों ऐसे स्कूटर पे जाते थे। गोलू मेरा भाई आगे खड़ा होता था, वो पकड़ के, छोटा था वो, पकड़ के उसको अच्छा लगता था, मम्मा और पापा के बीच में मेरे को वो गोदी में बैठा के लेके चलते। स्कूटर पे ये था अगर चार नहीं है तो चला ले। स्कूटर पे मैंडेटरी था, एक बच्चा आगे, एक माँ की गोद में और पति चलाए, पर ये कितना एक्सेप्टेबल था ना पहले। हाँ, 3-4 लोग स्कूटर पे घूम रहे जबकि बीच में जगह भी नहीं होती थी। हाँ, बट ऐसे घूमते, मेरी मम्मी एक छोटा सा वो ब्लैंकेट सा लेके घूमती थी ठंड में, सर्दियों में जाते हुए, अगर ठंड लगती तो फिर ऐसे बच्चों बच्चों को रैप करके ऐसे भी होता था। काके की कहानी सुन ले। काके से पहले से अपना बताया। नहीं, मेरे पापा के पास था चेतक था। हाँ, तो स्कूल लेने जाते थे वो शाम के टाइम, दिन में सुबह मम्मी छोड़ाती थी, शाम के टाइम पापा लेने आते थे, तो वही इवनिंग स्कूल था इसलिए शाम में लेने आते थे। तो भाई सामने, क्योंकि और भी कुछ किराएदार थे वो हमारे, मेरे क्लास में पढ़ते थे, तो 2 बच्चे होते थे, हम 3 होते थे, तो मैं आगे खड़ा हो जाता था 4 की गिनती में, और वो पीछे 2 होते थे वो चढ़ जाते थे, एक था जो बड़ा वाला था, एक छोटा वाला भाई था, तो बड़ा वाला आगे बैठता था, सबसे छोटा वाला पता नहीं उस दिन पीछे क्यों बैठा, वो कहीं गिर गया। बाबा गली वली में से निकल गया है और अंकल देखा को किसी ने बताया नहीं कि ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं होता है कि लिटरली ड्रॉप देम। और हम आके घर पे रुके और मैं भी उतर गया, और उसका नाम राहुल था, वो भी उतर गया, मयूर रह गया कहीं, मयूर कहाँ चला गया, घर तो हमारा ये, वो कहाँ उतर गया, बाबा पीछे कहते कबाड़ी के तराजू में गिर गया।
What a place to fall down. मेरे चाचा थे अपने ससुर को लेके उनके ससुर उनके घर आए हुए थे तो ससुर को लेके गए ताजमहल दिखाने के लिए ताजमहल दिखा के वापस आ रहे थे और रेलवे का फाटक पड़ा उन्होंने बोला आप उतरिए मैं स्कूटर नीचे से निकाल लेता हूँ मैं स्कूटर नीचे से निकाली आदत के साथ टेढ़ी करके आगे किक मारी बैठ के चल दी और जब घर चले गए तो उनकी बीवी ने पूछा पापा का है पापा का तेरी जैसे अभी जो एटर्नो वगैरह ये स्कूटर आए उन्होंने सिंगल गद्दी कर दी पहले एक डिवीजन होता था कि ड्राइवर की डेडिकेटेड गद्दी माँ को तो छोटा मोटा एडजस्ट करना पड़ेगा पर वो ड्राइवर की गद्दी का स्ट्रक्चर और था उस पर दूसरा आदमी आ नहीं सकता था और उसके बावजूद चार बैठते थे पहिया होता था एक पंचर हो गई तो पंचर तो कोई भी चीज हो सकती कहते नहीं स्कूटर में स्टेपनी होगी स्कूटर लगाओ अब भाई वो 6 फुट का आदमी इतनी स्कूटर चलाता था कितना फनी लगता था यू स्कूटर चला रहे आदमी बट ये एक बहुत बड़ी वैल्यू था लोगों के लिए कि उसमें स्टेपनी हो जाती थी बड़ों बदलते खुद थोड़ी बदलते होंगे खुद ही बदल लो जिसको बदलती है स्कूटर से वो तो नट से लगी होती थी वहां से निकल जाती थी उसका वो तामझाम कहां होता था आगे बॉक्स होता था अच्छा हां साइड में आगे स्टोरेज होती थी ऐसे खुल जाता था कुछ लोग बक्से वाला लगाते थे कुछ से जाली लगा के रखते थे जाली में सामान वामान डाल दो वो सब उस तरीके वो भी तो एक हुक भी तो होता था सीट भी तो खुलती थी हुक जहाँ हुक होता था वहीं पे गद्दी भी लग सकती थी छोटी मैंने जब फर्स्ट टाइम टू व्हीलर चलाना सीखा था स्कूटर पे सीखा था मेरे टू व्हीलर स्कूटर पे सीखा मेरे चाचा का लड़का था स्कूटर सीख जाओ तो ऑटो चलाना तो आई है वही कोई ये नहीं कह सकता क्या करेगा करियर करियर ये तो कर ही लेता हूं और ऑटो से याद आया भी एक ऑटो का वीडियो वायरल हो रहा है उस पे पीछे लिखा हुआ है वी मिस यू मनीष जी और इन्होंने हैंडसम स्लो दिया की फोटो लगी हुई है तो किसी बंदे ने वीडियो बनाया उसके से पूरा दिखाया रिवील किया इससे आगे ड्राइवर भैया भैया जानते हो मनीष कौन है हमें का पता कौन है और जब ना निकल गया वो मिस करते हैं पता नहीं कौन हाँ तो मैंने भी देखा बट यार आई एम सो ग्लैड टू रिविजिट हैंडसम से सॉरी आज इट स्टार्टेड ऑल स्टार्टेड हियर एक चीज और भी है कि इंडिया को मोबिलिटी उसी ने दी कि मतलब गाड़ियां तो चलो पहले आई थिंक डिड यू इवन नो एनीबॉडी हु हैड अ कार बैक देन नहीं बहुत टाइम बाद मेरे दादाजी के पास गाड़ी थी अमीर लोगों के पास एस्टीम होती थी 800 या उससे भी कोई अमीर है ड्रग पेडलर टाइप का तो उसका कॉन्टेसा बट मोबिलिटी मुझे लगता है इन जनरल इंडिया को लार्जली स्कूटर्स नहीं थी कि लोगों के पास पहली अपनी व्हीकल जो थी वो स्कूटर ही थी आम आदमी के घर तो चली गई मेरा भी फर्स्ट व्हीकल स्कूटर था स्टैंडिंग उसके बाद मैंने मूविंग साइकिल चलाई पहले तो मैं उस पर बिठा के बच्चे ड्रॉप करता था जाओ स्कूल छोड़ दूं तुम्हें बैठो पीछे हाँ नहीं यार और मुझे लगता है दैट इन अ वे कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स मतलब बिग डील बट कंट्रीब्यूट अ लॉट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग आल्सो कि लोगों ने जब चलना फिरना शुरू करा आम आदमी के हाथ में गई ट्रैवल बड़ा कर सका उन्होंने ज्यादा जब बढ़ के निकले तो फिर वो स्कूटर होता है स्कूटर सही है ना खुला है मतलब कि बस में उल्टी आ रही तो खिड़की खोलनी पड़ेगी इसमें जब पूरा का पूरा मयूर कूद सकता है तो उल्टी तो क्या ही है पीछे वाली सवारी हेलमेट उल्टी आती ही नहीं है ना नहीं अगर जस्टिन गेज से आप बचा हो गया कुछ व्हाटएवर रीजन प्रेग्नेंट हो आप मेरी मम्मा एक बार गिरी थी वो प्रेग्नेंट थी वो स्कूटर पे जा रहे थे मेरे पापा चला रहे थे मेरी मम्मा पीछे बैठी हुई थी और वो भी ऐसे विद माय ब्रदर
और वो जा रहे थे और कोई स्पीड ब्रेकर आया और पापा भी अपनी मस्ती में चला रहे होंगे, वो अपनी पता नहीं क्या समझ के बुगाटी समझ के चला रहे थे वो, और स्पीड ब्रेकर पे बहुत ही तेज उन्होंने वो चलाई, मम्मी उछल के पीछे गिर गई और उनके सर्वर पे लग गया जो भी हुआ, और पापा को दो तीन मतलब थोड़ी देर आगे जाके पता चला कि पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ बोल नहीं रहा, फिर उनको दिखा। तो इसके बाद दादाजी ने अपनी 800 दी नहीं दी? नहीं भाई यार, वो सब दिखा देंगे कि दादाजी को छोड़ के चले गए, बच्चे बात नहीं करते, क्यों बात कर रहे हैं ऐसे दादाजी से, भाई वो गिर गए हैं वहाँ पे लोग स्कूटर से, उनका दिल नहीं पिघल रहा कि दे दूं उन्हें यार, ये बुड्ढा बिल्कुल नहीं पिघल रहा। आई थिंक बहुत ज्यादा कम्यूट इजी हो गया कि लोग ऑफिस से दूर दूर जाने लगे, इजी टू पार्क भी थे, इजी टू पार्क भी थे, गाड़ी में तो आपको जगह चाहिए तो पार्किंग के लिए थे, लेकिन स्कूटर आप जनरली घर के अंदर भी लगा लेते हैं, अंदर चला जाता था, छोटा सा भी दरवाजा है नॉर्मल, तो स्कूटर अंदर चलाते थे, हमारा थोड़ा थोड़ा ऊंचा था तो पीछे से लगते थे, आर्टिफिशियल रैंप तो सीढ़ी होती थी। मैंने अपनी गली में कितने घरों में देखा था, हमारा घर ऊंचा नहीं था, हमारा सतह लेवल पे था, लेकिन बाकी दो तीन के घर, मेरी गली जिन्होंने पिछला पॉडकास्ट देखा है भाई चढ़ने वाली थी, तो जब ऐसे गली चढ़ रही थी किसी के थोड़े ऊंचे भी थे, तो उनके यहाँ बाकायदा में देखता था कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के टाइम पे सिर्फ सीढ़ी बनाई है, तो फिर एक लकड़ी का फट्टा लगता था, ईंट लगती थी, और वो ऐसे अंकल है आपने जो पहला लगा दिया ए बिट्टू, क्योंकि एक बिट्टू तो लगता था स्कूटर चढ़ाने के लिए, किसी अंकल के बस की अकेला चढ़ाना नहीं था, तो फिर वो धक्का लगा के सब स्कूटर चढ़वाते थे, वो एक पूरा इवनिंग का भाई कम्युनिटी टास्क होता था, और अंकलों के स्कूटर चढ़वाना, वो मतलब ऐसे इतना हम बात कर रहे थे कि कैसे आम इंसान के घर में चला गया था कि अपने पापा के स्कूटर की आवाज भी पता होती थी, आपको गली के कोने से पता चलता था पापा का स्कूटर है, थोड़ा डिफरेंट होता था, ये पापा का स्कूटर है, मतलब वो एक फैमिली का हिस्सा हो चुका था, और उनके वो भी बहुत स्क्वीकी से होते थे हॉर्न, मतलब प्रॉपर इस तरीके से, मुझे बहुत क्लियर याद है वो ऐसे गोल सा बटन होता था, और दानेदार इस टाइप के, और दो तीन बटन और वो बड़े एकदम मतलब वो बटन जैसे फील होते थे कि हाँ कुछ दबाया, आजकल इतना सब टच स्विच कर दिया है वो मजेदारी नहीं है, बटन होता था वो, सॉलिड मशीनरी फील होती थी। बट व्हिच आर द स्कूटर्स यू गाइस रिमेंबर फ्रॉम द पास्ट? एक मुझे याद है चेतक का, ये तो पॉपुलर ही है, एक बजाज का और आया था ब्रावो, बजाज ब्रावो भाई, एक ब्रावो नाम का स्कूटर आया था, चेतक की लाइट वाइट थोड़ी सी मोल्ड कर दी थी, जैसे मैटीज की जैसी लाइट चलती थी ना, तो साइड वाले इंडिकेटर उस टाइप के कर दिए थे थोड़े, मतलब चेतक का एक मॉडर्न लुक कर दिया था, तो मुझे याद है मेरे मामा ने लिया था, चोरी हो गया था फिर उन्होंने तो उन्होंने हवाबाजी भी बहुत दिखाई थी कि सब पुराने स्कूटरों पे चल रहे हैं उन पे, कॉलेज वाले कॉलेज टाइम में नहीं, अरे वो बदतमीजी करते थे कि जैसे ऐसे तेज चला के गली में लाए, उनके सामने जो घर था उसने बोला अरे अरे कहाँ ला रहा, तेरे घर में ला रहा हूँ, तो ऐसे बहुत बदतमीजी करते थे, तो फिर जब चोरी हुआ तो सब निकल नजर लग गई, बड़ा दिखावा करता था, बहुत हवाबाजी करता था, तो वो उनका ब्रावो मुझे याद है, चोरी चला गया था मुझे याद है, ऑफ कोर्स चेतक याद है, एक था एलिमल सेलेक्ट, गोल हेडलाइट नहीं थी, रेक्टेंगल हेडलाइट थी, चेतक की याद है, उसके अलावा क्योंकि वो घर पे था इसलिए, स्कूटरों पे एक अच्छी चीज मुझे लगती थी, जैसे बाइक में ले देके हल्का सा वाइजर ही है जहाँ पे आप स्टीकर नगर अध्यक्ष, ये स्कूटर भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देता था भाई छाते से, उस पे सब पुलिस आपका स्टीकर, लॉयर का स्टीकर, जिला अध्यक्ष, व्यापार मंडल, बहुत स्पेस होता था उस पे सब कुछ लिखवाने का, बट दैट वुड ऑल्सो सेफर ना, हां और क्योंकि जगह पैर वे सारे बचे रहते थे अंदर की तरफ, हां बाइक पे नहीं होता था, आराम से बैठ बैठो, हां यही तो है, लिखावट के लिए तो, बहुत हमने तो अपने बहन को दहेज में भी स्कूटर दिया था कौन सा दिया था, यही बजाज का चेतक, काफी टाइम तक खड़ा रहता उनके पास, अब शायद भेज दिया था, अरे बड़ा कमिंग टू चेतक, आई थिंक मुझे लगता है कि चेतक ने देन रीडिफाइंड एवरीथिंग, कि एलएमएलआई पियाजू आई, पियाजू से पहले आया था, हां पियाजू पुराना, मैं कह रहा हूं बाप तो पियाजू था, बेटे पे चेतक, हां बट जब चेतक आया तब हर इंसान को चेतक चाहिए था, आई वाज रीडिंग समवेयर दैट चेतक की एक समय पर 10 साल की वेटिंग थी, 10-10 साल की, 10 साल की वेटिंग थी, तो लोग अपने बच्चों के लिए बुक कराते थे कि हमारे तो ट्वेल्थ में डिमांड ज्यादा थी या फिर उनकी लेवर आलसी थी लेवर तो सीख ही नहीं होगी ना तब, हां अरे यार अभी तो कल ही बांधा बहन 10 और आ गए, बाय बाय बाय, तेज बांध, हाथ तेज चला, बड़ा अपेरेंटली होता था
कि लोग जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा हाँ, जैसे बेटी हो गई तो एक ट्वेल्थ पास करेगा तो ट्वेल्थ पास करे तो बुक करा दी कि आज 67 ने बुक कराई है तो जब तक नौकरी करने लगे इसकी स्कूटर आ जाएगी जब तक लड़की करके शादी का हां तब तक की बहन की जब तक शादी की उम्र होगी भाई स्कूटर आ चाहिए हमें एक बुक करा पर कोई 10 साल क्यों वेट करेगा इस गाड़ी के लिए लेबर आलसी है ना वो 10 साल बहुत होते हैं यार पर उसको ये नहीं लगता होगा कि 10 साल में स्कूटर की जरूरत पड़े ना पड़े कि आप हम गाड़ी ले और सोचो वो क्या जमाना था किसी ने नहीं सोचा भाई टेक्नोलॉजी बदल गई तो जैसे हम फोन में इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हैं भाई यार तो पर चार्जिंग तब तब इतनी तेजी से नहीं आ रहे थे ना ये सब भाई जब 10 साल की वेटिंग है स्कूटर की तो कोई उम्मीद तो रखता नहीं होगा कोई स्कूटर आएगी 10 साल बाद हां ये अभी इसे बनाने में टाइम लग रहा है और लिटरली लाइक आई थिंक एवरी अदर गाय हैज हैड अ चेतक और उसने जितने स्कूटर शाहरुख खान कौन सा चला था रब ने बना दी जोड़ी में चेतक ही था शायद वो भी चेतक से ही हां हां स्कूटर अगर किसी रैंडम बंदे को बोलो स्कूटर डिजाइन करे तो चेतक ही बनाएगा हां ड्राइंग वाइज तो हां बट आई थिंक तुम दोनों के पास हम दोनों के पास चेतक नहीं थी इनका वो भी आया था ना कैंपेन हमारा कल हमारा आज हमारा बाजार उतना आइकॉनिक मुझे और कोई दूसरा और किसी ब्रांड को हमारा कह सकते नहीं मतलब अभी अपने घर को अपना नहीं कह पा रहा हूँ बैंक का बजाज ने अपने पन की फीलिंग तो करवाई हाँ पर वो भी था ना इंडियन था इंडियन ब्रांड था एलएमएलपी आजियो दोनों बाहर के थे पहले मुझे बजाज भी काफी अपना लगता ना सुन के पहले मुझे बजाज नाम से इंग्लिश लगता था मिस्टर बजाज आए उन्हें मैंने देखा ब्राउन स्किन बॉय मतलब ओके इट्स एन इंडियन नेम क्योंकि शर्मा खुराना टाइप नहीं है ना बजाज थोड़ा सा इंग्लिश बजाज वो तो स्टार्टिंग से लगता था बहुत अमीर आदमी आई थिंक वो भी था ना कि बजाज को मित्र देख चुके थे कि टोस्टर बजाज का था या गीजर बजाज का था और ऑटो बजाज का था तो स्कूटर बजाज का वो लगता था इंटरेस्ट आ जाता है मेरी क्लास में भी फिर एक आदा है राहुल बजाज ऐसे करके तो फिर मैंने कहा कि राहुल बजाज के साथ पढ़े यार ये तो बजाजों के साथ पढ़े मतलब राहुल बजाज नहीं पर नहीं वही बात है ना अभी राजेश का नाम राजेश यादव अब इसका नाम तो राजेश बजाज सीओ लगने लगता है मैं पैर चूस के कैसे शुभम बजाज ओह माय गॉड टेल मी साधिका बजाज बड़ा बट देन आई थिंक देन स्कूटर्स वेंट इनटू दैट स्कूटी जोन वो एटर्नो आया पहले हां एक्टिवा मेरे को याद है मैंने चलानी सीखने की कोशिश करी थी बट वो मेरे बॉडी वेट से ज्यादा उसका वेट था तो एक्टिवा से पहले आई थी हल्की वाली स्कूटी पेप प्लस से पहले स्कूटी से एक और आई थी वो पता नहीं कौन सी कंपनी की थी स्कूटी के बाद स्कूटी वालों को काफी वो करना पड़ा था कि लड़के भी चलाते प्रॉपर एक कैंपेन चला था कि बॉयज शुड बॉयज अपन दबन पहले तो ऐसे वाले चले लड़कियों के लिए था ना फिर दोबारा ऐसे चले कि नहीं 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 लड़कों को भी चलाना है लड़के भी चलाते हुआ हुआ लेकिन अब मीम ने सब खराब कर दिया है क्यों जरा सा लटक झटक वाला लड़का होता है उसे लिख देते स्कूटी चलाने वाले और मैं ये मीम अपनी स्कूटी पे बैठ के देख रहा हूँ मैं बड़ी क्या करूँ लेकिन अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मुझे गियर तो नहीं डालना पर स्कूटी स्कूटर में सिर्फ गियर का ही फर्क है ना हाँ लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ब्रेक भी पैर बजाज में पैर होता था वो चेतक हाँ, नीचे चेतक में ब्रेक होता था पैर में ब्रेक होती थी नहीं लेकिन ये अभी जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि इस शर्म से कैसे बाहर आऊँ कि स्कूटी चलाने वाला लड़का भी बन के नहीं रहना है और गियर भी नहीं डालना है तो अब आगे भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर हाँ तो वो लिटरली ई रिक्शा है पर भाई वो तो और छपड़ी बनती है ना हाँ कैसे भाई ई व्हीकल आए विच वर सपोज टू बी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पेट्रोल को रिप्लेस कर देंगे पर उनमें क्या होता है उनमें भाई सिस्टम आ गया कि उनमें स्पीकर आ गए हाँ। हाँ। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उसमें आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो फोन चार्ज कर लो स्पीकर चला लो क्या है टैप बना रहे हो पहिए के साथ प्लस बारिश वारिश होती है हिंदुस्तान में उसमें टच स्क्रीन लगा हुआ है पैसा डाल के ई रिक्शा ले लूं चारों को बिठा के ले जाया करूंगा मैं सस्ती पड़ेगी रिक्शा हाँ ई रिक्शा में चारों भी हम आ जाएगा सस्ती पड़ेगी स्पीड स्कूटर की मुझे लगता है बड़ी बड़ी कंपनियां घुसी हैं अभी तक ईवी के स्कूटर बनाने ये भी तो घुस गई ना तुम्हारी चेतक चेतक ने शुरू कर दिया समय के साथ बदल गया भाई हमारा कल हमारा आज हमारा चेतक इलेक्ट्रिक हो गया चेतक चेतक ने एक निकाली इलेक्ट्रिक हाँ। वो उन्होंने जोन अलग पकड़ लिया क्या दिस गाइस हैव गॉन इनटू द अदर जोन जहां पर ये स्कूटर बना रहे प्रॉपर हाँ। इन्होंने टच स्क्रीन नहीं दिया हुआ है हाँ। इन्होंने 100 कनेक्टिविटी नहीं दी हुआ है इनका वो ये कि भाई हम स्कूटर स्ट्रांग दे रहे हैं अच्छा। है बिजली का स्कूटर और वो भी हटा दिया उसमें की वो डायरेक्टली आप कहीं प्लग इन कर चला दो अच्छा तो उसमें वो नहीं कि आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा नॉर्मल जो चार्जर घर के सॉकेट माइक्रोवेव वाला वो होता है वो घुसड़ो घर में चार हो जाएगा ये करना पड़ेगा जब तक आप इतना इजी नहीं बनाओगे ना तब तक लोग नहीं जाएंगे प्लस भाई हिंदुस्तान में आप बना रहे हो व्हीकल
घंटों बारिश होती है वहाँ, गिरती है स्कूटर, डेलिकेट स्कूटर बनाओगे उनमें बॉल पड़ी टूट गई वो क्या फायदा, वो चलेंगे ही नहीं। तो इन्होंने बनाया तगड़ा मेटल लेटल की बॉडी के साथ। स्कूटी के स्क्रीन पे करोल बाग बदलवाने जा रहे हैं में जा रहे हैं इसका तो पूरा फोल्डर बदलेगा। हाँ मतलब यार ईवी जब तक गाड़ियों में भी हो चाहे बाइकों में भी हो, जब तक आप उसकी चार्जिंग फैसिलिटी सॉर्ट नहीं कर सकते हो, चार्जिंग और स्ट्रेंथ कि वो चले साली, ये नहीं कि उनमें बारिश हुई खराब हो गई। तो वो मुझे लगता है वो एक थोड़ा सा वो एक दिन हम दोनों गुजर रहे थे और बारिश हो रही थी, तो हमारे दिमाग में ये आ रहा था कि ये पानी के अंदर घुस के ईवी वाला व्हीकल सी ये बच जाता है या पानी के अंदर कैसे लगता है, मुझे ई रिक्शा तो निकल ही जाता है पर भाई बच ही जाता हूं, बच जाता है पानी से, बाहर निकलता नहीं बिजली, बैटरी तो उनकी प्रोटेक्टेड ही होती चारों तरफ से। हां मैं ये कह रहा था कि जैसे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हमें एक स्कूटर स्कूटी टू व्हीलर चाहिए होता है, एक पहिया आप हर जगह नहीं लेके जा सकते अपना फोर व्हीलर, या फिर हर जगह पैदल भी नहीं जा सकते। तो तुम लोग ही, मेरे को चलानी नहीं आती तो चलाने वाला मिल जाए तो बट यू नो हाउ टू ड्राइव, बिठा के चलाने वाला मिल जाए, आई नो टू ड्राइव बट वो बेसिक आती है मेरे को ड्राइविंग। 800 क्या 800 नहीं वो दादाजी ने अपने दी नहीं, दादाजी ने दी नहीं, वो दादाजी साथ लेके जाएंगे वो चले गए, बट दादी हैं अब तो और नहीं मिलेगी इसके रिलीज होने के बाद, और नहीं मिलेगी चाबी, लड़ाई कर रही नहीं। मेरा होता है खत्म, हम इस पे करते हैं कि जो स्कूटर पे सबसे आइकॉनिक गाना बनाए भाई, जस्सी गिल का करियर बना दिया जिस गाने ने, बापू जी मेदार, उसमें उन्होंने मतलब अपनी गरीबी को इससे दिखाया है कि इसके पास तो क्या क्या है इसके बाप के पास। मुझे चेतक भी लड़के लेनी पड़ी, लड़के मैंने ऐसे पैसे जुगाड़ के मैंने चेतक ली, एक चेतक कहीं ना कहीं मतलब चेतक ना हो तो एक प्रॉप कम पड़ जाए, जो फिल्में बनाता है कौन सी फिल्म में ये बनाते हैं स्त्री वगैरह जी, मैडॉक फिल्म्स, मैडॉक फिल्म्स का कहीं सेट लगता है स्कूटर अपने आप पहुंच जाता है क्या, पंकज त्रिपाठी तो स्कूटर ही चलाएंगे भाई, वो किस पे चलेंगे, कास्ट सबसे पहले स्कूटर होता है, पहले स्कूटर एक कास्ट होता है फिर उस पर आगे पंकज त्रिपाठी, पीछे अपार शक्ति खुराना, इस तरीके से प्लेसिंग होती है। बट लेकिन वो चेतक मैं तो क्या मैं तो चेतक के लिए ऐसी पल्ले अटके गरीबी ही रोटी टाइम, उसने रोटी नहीं कही बाप ने लेंसर निकल, पल्ले पल्ले पड़ना पड़ा कि भैया दिला दो हमको ये दिला दो, बड़ा सही है मॉडर्न आइकॉनिक सॉन्ग चेतक, पर चेतक उस मतलब थोड़ा मेरे को वो रहा कि जैसे अगर थोड़ा टाइम स्कूटर का मार्केट और लग जाता तो धोनी को भी मैन ऑफ द मैच में सोच स्कूटर मिल रहा है, चेतक मिल रहा है, धोनी पीछे युवराज को बिठा के पार्थिव पटेल को आगे खड़ा करके आज अगर धोनी को देख ले ग्राउंड में मोटरसाइकिल हेलमेट नहीं लगाया क्या मैसेज दे रहा है, चलान काटो इतना बड़ी पार्किंग ऐसे देखी धोनी की स्कूटर चमका उसमें नहीं बाइक इसी नोट पे भाई MS धोनी के नाम पे फिनिश कर देते, इससे अच्छा फिनिश होगा। दोस्तों कैसा लगा हमें जरूर बताएं, लाइक ही लाइक करें, शेयर ही शेयर, कमेंट ही कमेंट, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब। अब शायद हम एक माइलस्टोन एपिसोड पे आने वाले हैं 15 या कुछ, वो एंटायरली हम चिट्ठियों के लिए रखेंगे, ये ईमेल आईडी है इस पे आपको चिट्ठियां लिखनी है, प्रोफेशनल चिट्ठी रीडर भी हमने बुला लिया है, ये पढ़ेगी हम रिएक्ट करेंगे चारों मिलकर, ठीक है, डन, बाय बाय, चाओ, ये बाय गाइस, साइनिंग ऑफ।